ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए केंद्र सरकार बिहार को एक साथ दो दो कृषि कर्मण पुरस्कार दे रही है। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 2016-17 के लिए मोटे अनाज की श्रेणी में मक्का और 2017-18 के लिए गेहूं श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि ये दोनों पुरस्कार अगले साल 3 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में 2-2 करोड़ रुपए, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुरस्कार लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सचिव, कृषि विभाग और कृषि निदेशक को आमंत्रित किया है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 2016-17 में मक्का का कुल उत्पादन 38.46 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता 53.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। साल 2016-17 में राज्य में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक हुई थी। खबरों के अनुसार साल 2017-18 में राज्य में गेहूं का कुल उत्पादन 61.04 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता 29.05 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि बिहार को 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। बिहार को सबसे पहले 2011-12 में धान के सर्वाधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रदेश सरकार गेहूं और धान की तर्ज पर मोटा अनाज ज्वार, बाजरा और मक्का का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 2021 तक किसानों की कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने में भी मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम से किसानों में भी खुशी की लहर है। जिले में धान का रकबा इस साल जहां 1.55 लाख हेक्टेयर है, जबकि मक्का 2,715 हेक्टेयर, मूंगफली 3,335 हेक्टेयर, अरहर 3,625 हेक्टेयर, तिल 250 हेक्टेयर, बाजरा 10 हेक्टेयर, मोटा अनाज 20 हेक्टेयर और उर्द 10 हेक्टेयर में बोया गया है। 2017 में जनपद में मक्का 2,459, मोटा अनाज 18, उर्द 5, अरहर 3,018, तिल 2,038 और मूंगफली 3,054 हेक्टेयर में बोई गई थी। खबरों के अनुसार सरकार को मोटा अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने से किसान प्रोत्साहित होंगे। ऐसी जमीन जिसमें मोटा अनाज ही बोया जाना चाहिए, वहां उसी तरह की उपज लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में जिले में मक्का, ज्वार, मडुआ, टागुन, सावा आदि बोने के लिए किसान आगे आएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार इस पहल से खाद्य सुरक्षा योजना, मिड डे मील और ICDS की योजनाओं में पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करा कुपोषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। खरीफ की फसलों की खरीद 1 नवंबर से 31 जनवरी तक चलेगी। सरकारी खरीद के तहत ज्वार, बाजरा, मक्का कुल उत्पादन का 10% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।